दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 2013 के बाद एक बार फिर होगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे 5 वनडे मुकाबले। एक बार फिर देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच घमासान। तो आखिर कब और कहां होगी दोनों टीमें आमने सामने, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हो टीम इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। साल 2013 के बाद से दोनों टीमों के बीच एक भी सीरीज नहीं खेली गई है। वनडे, T20, वर्ल्ड कप या एशिया कप के दौरान ही भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो पाते हैं। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच बहुत कम बारी मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए वह मैच बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। फैंस हर एक गेंद का मजा उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 बार आपस में भिड़ सकती है, तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले कैसे खेले जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। दोनों ही मेगा टूर्नामेंट में दोनों टीमें हिस्सा ले रही है। वनडे वर्ल्ड कप इस साल भारत में खेला जाना है। वही एशिया कप के वेन्यू को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका है, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। एशिया कप में दोनों टीमें आपस में भिड़ेगी, जहां वे 3 बार मुकाबला खेल सकते हैं। इस साल होने वाले एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही है, जहां लीग स्टेज में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने हो सकते हैं। वही सुपर 4 में अगर दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो तीसरी बार फाइनल में भी इन दोनों का मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया कप में दोनों टीमें 3 बार आपस में मुकाबला खेल लेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल होने वाले वर्ल्ड कप में भी मुकाबला खेला जाएगा, जहां लीग स्टेज में एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच होगा। इसके बाद अगर भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया तो नॉकआउट यानी कि फाइनल या सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस साल कुल मिलाकर 5 दफे भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो जाएंगे, जो कि फैंस में रोमांच भर देगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम 2 बार तो पक्का भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस साल एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही वनडे फॉर्मेट में खेले जाने हैं। वही भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों टीमें वनडे में शानदार प्रदर्शन कर रही है। ICC के वनडे रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अच्छी फॉर्म में है। कप्तान बाबर आजम समेत ICC की प्लेयर वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या एक बार फिर टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी या नहीं? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।